मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार किसी चुनावी सभा में मंच साझा करेंगे। शाह और कुमार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 फरवरी को एक चुनावी मंच को साझा करेंगे। दिल्ली विधानसभा के 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कुमार की जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के साथ मैदान में है। दोनों के बीच हुए समझौते के तहत जेडीयू को बुराड़ी और संगम विहार विधानसभा सीट दी गई है। इसके अलावा रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी से भी भाजपा का समझौता हुआ है और उसे किरारी सीट दी गई है। जेडीयू महासचिव वफात अहमद ने बताया कि 2 फरवरी को लगभग 2 बजे कुमार और शाह बुराड़ी से जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे कुमार और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संगम विहार में जेडीयू उम्मीदवार एचसीएल गुप्ता के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम करेंगे। अहमद के मुताबिक पहली बार दोनों नेता किसी चुनाव रैली को एक साथ संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की साझा सरकार है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एक बार फिर सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं। भाजपा 21 वर्ष से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और उसने इस बार जीत के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। पार्टी की तरफ से हालांकि इस बार अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। SPN 9 न्यूज़ से लता की रिपोर्ट।